साकी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलहर गांव सटे भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जमुनी नदी में एक अज्ञात युवक मंगलवार के करीब 2 बजे पानी में सब स्थानीय लोगों ने देखा। हालांकि सबकी सूचना मिलते ही चारों तरफ सनसनी फैल गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन घटना की सूचना के बावजूद हरलाखी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची और जमुनी नदी में तैरता रहा अज्ञात युवक का शव। हालांकि सबकी सूचना मिलते ही SSB के जवान मौके जानकारी के अनुसार सीमा स्तंभ संख्या 287/24 के पास की घटना बताई जा रही है, जबकि घटना की सूचना के बावजूद भी पुलिस इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दबवाई से मधुबनी पर खबर प्रेषण तक सब वहीं पर था। हालांकि अज्ञात युवा का सब मिलने की चर्चा चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हत्या है या आत्महत्या या नदी में डूबकर युवक की जान गई है, या तो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। हालांकि स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमुनी नदी में कई दिनों से अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में ना तो SSB के जवान ना ही हरलाखी पुलिस दिलचस्पी दिखा रही है। हालांकि सूचना के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि उक्त मामले में हरलाखी के थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी ने बताया कि हम अपने स्तर से देख लेते हैं। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि पुलिस इस मामले में अब कब तक सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी, यह अब देखने वाली बात होगी। आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।